हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम स्ट्री आडोग्रा एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वी आर वेरी क्लोज टू हंड्रेड के सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सो so प्लीज़ आप देख लीजिए वी आर अबाउट टू क्रॉस 100k. सो so प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो न्यू विजिटर हैं तो अगर आप पहले भी मेरे चैनल पर विजिट कर चुके हैं सो so आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैं दो ऐसी सर्टिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलने वाली है और इसके साथ साथ सिर्फ अकेली सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं कैश प्राइजेस भी सो so, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है कैसे आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सारे डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो so प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आती है इसे लाइक like और शेयर करना ना भूलें चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ सो so, आज का जो हमारा मेन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है ना वो है माई जी मेरी सरकार का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी नई स्कीम या नया इनिशिएटिव लॉन्च होता है तो उसके ऊपर ना यहाँ पे एक क्विज की फॉर्म में आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से रिलेटेड तो यहाँ पे बहुत सारे क्विजेज अभी लॉन्च किए गए हैं जिसमें आपको जो अवार्ड के तौर पे ई सर्टिफिकेशन मिल जाता है बट कुछ ऐसे भी क्विज़ेज़ होते हैं जहाँ पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि कैश प्राइज़ हो गए सर्टिफिकेशंस हो गए तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं यहाँ पे आप देख सकते कुछ हैं कुछ लाइव क्विजेज़ हैं दो ऐसे क्विज़ हैं जहाँ पे आपको कैश प्राइज मिलने वाले हैं सो so, एक है हमारा डेटा प्रिवेसी अवेयरनेस क्विज़ 2024। ये है मार्च फर्स्ट से स्टार्ट हो चुका था और ये मार्च ट्वेंटी तक रहेगा इसमें दस क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं जिसमें टू फोर्टी की ड्यूरेशन का आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको दस क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे और यहाँ पर आपको कैश प्राइज मिलने वाला है ये क्विज ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं उससे पहले दूसरे क्विज़ की भी बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आपके लिए क्विज लॉन्च किया है क्विज ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी जहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चौदह मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे मतलब सिर्फ आज का टाइम रह गया और कल का टाइम आपके पास अगर आप फटाफट फट से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ये यह जो मॉनेटरी बेनिफिट है कैश प्राइस का ये मिल जाएगा सो so, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टोटल टेन क्वेश्चंस है थ्री हंड्रेड सेकेंड्स के अंदर आपको कम्प्लीट करने होंगे दोनों क्विज़ की हम बात करेंगे और साथ में यहाँ पर मैं आपको क्विज कम्प्लीट करके भी दिखाऊंगी यहाँ पे तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन मिलेगी बट मैं आपको यहाँ पर क्विज जब कम्प्लीट करके दिखाऊंगी तो आपको एक तरह से इनसाइट मिल जाएगा कि कैसे आपको ये जो क्विज़ है वो पास करना है और मॉनिटरी बेनिफिट के लिए और ई e सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होना है सो so चलिए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्विज़ की बात करते हैं डेटा प्रिवेसी अवेयरनेस क्विज 2024 ट्वेंटी फोर प्रिवेसी अवेयरनेस क्विज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डेटा प्रिवेसी क्या होती है और डेटा प्रिवेसी को कैसे आप मेनटेन करके रख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल का जो हमारा टाइम हो चुका है इट इज़ अ डिजिटल एज अब डिजिटल एज की क्या इंपॉर्टेंस होती है और कैसे इस एज में आप अपनी प्रिवेसी को प्राइवेट कर सकते हैं एक तरह से कॉन्फिडेंशियल बना सकते हैं बिकॉज आजकल के टाइम पे आपका डेटा आपका पर्सनल डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है सो so, इस पर्सनल डेटा को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसके पर्टिकुलर राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरे कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए सो so, ये डी की तरफ से ये पूरा डेटा प्रिवेसी डे के और सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पे अगर बात करें ग्रेटिफिकेसन की दैट मीन्स कि आपके आ, इसकी कि क्या आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं क्या कैश प्राइस मिल सकते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि टॉप फाइव विनर्स को यहाँ पर रिसीव होने वाला है गिफ्ट वाउचर्स वर्थ रुपीज ईच मतलब यहाँ पे पांच विनर्स ऐसे होंगे जिनको तीन हजार रुपये का टाइम तीन हज़ार रुपये का कैश प्राइस मिलेगा सो बाकी आप देख सकते हैं चार मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है चार मिनट मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगी उसके बाद आप यहाँ पे दस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे सकते हैं चार मिनट के अंदर अंदर काफी लंबा टाइम है आराम से आप दे पाएंगे बट एक चीज का ध्यान रखिए जो भी सबसे ज्यादा आंसर्स जो है कम से कम टाइम में देगा वही यहाँ पे जीतेगा तो इस चीज़ का ऑलवेज आप ध्यान रखिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए सो so, दस क्वेश्चन टू फोर्टी सेकेंड्स के अंदर डी जो कि एक नैसकॉम का इनिशियेटिव है उनकी तरफ से क्विज लॉन्च किया गया है इस पर हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे क्विज का सो ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स उनकी तरफ से तीन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्विज लॉन्च किया गया है ऑन इंडिया डेमोक्रेसी तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है इंग्लिश भी है हिंदी भी है एस भी है बंगाली में भी है गुजराती में है और भी बहुत सारी लैंग्वेज में यहाँ पे क्विज लॉन्च किया गया है अगर आपको पर्टिकुलरली इंग्लिश में नहीं समझ आता तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज करके उसमें अपना क्विज कंप्लीट कर सकते हैं दस क्वेश्चन है थ्री हंड्रेड सेकेंड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा सो so यहाँ पे ये क्वेज जो है वो लॉन्च किया गया है उन लोगों के लिए जिनको वोटिंग का पता चल सके सो so, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये क्विज़ है पर्टिकुलरली फॉर द यंग वोटर्स स्पेशली दीज वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि पहली बार यहाँ पे वोट कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे लोकसभा के इलेक्शन चलते हैं सो so, यहाँ पे इंडियाज डेमोक्रेसी के ऊपर आपको ये पर्टिकुलर क्विज दिया जाएगा बात करते हैं आपको ग्रेटिफिकेशन क्या मिल सकती है सो टॉप एटीन वटनर्स को यहाँ पे कैश प्राइज़ मिलने वाला है पाँच तक का और ये जो पाँच तक का आपको कैश प्राइज़ मिलेगा इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है कि आपको जब ये क्विज के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको दस क्वेश्चन मिलेंगे और जिन भी लोगों ने सबसे कम टाइम में पाँच मिनट का टाइम मिलेगा आपको जिन भी लोगों ने सबसे कम टाइम लिया होगा इन क्वेश्चन को कम्प्लीट करने के लिए उनको यहाँ पे बिनर बना दिया जाएगा और यहाँ पे पाँच हजार रुपये तक का कैश प्राइज आपको दे दिया जाएगा और साथ में सर्टिफिकेशन भी मिलेगी सो करना क्या होगा यहाँ पर क्विज के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे बोला जाएगा कि पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा लॉग इन टू प्ले क्विज पर क्लिक कर देना है ये है आपका लॉग इन साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और अपना डिटेल्स दे सकते हैं देने के बाद आपने क्या करना है जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ जाएगा एक एक करके हम दोनों क्विज कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लास्ट में सर्टिफिकेशन देखेंगे सो so, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्विज तो हमारा कंप्लीट हो चुका है चलते हैं हमारे डैशबोर्ड सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दोनों सर्टिफिकेशंस मिल गई है दोनों हमने डाउनलोड भी कर लिया है और डाउनलोड करके कुछ इस तरह की सर्टिफिकेशन आपको दिख रही है डेटा प्रोवेसी अवेयरनेस के ऊपर कुछ इस तरह की सर्टिफिकेशन मिलेगी डी की तरफ से और दूसरी सर्टिफिकेट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड एजुकेशन की तरफ से एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से सो ये भी अच्छी सर्टिफिकेशन है दोनों की दोनों मैंने आपको लेके दिखा दिया बस इसी तरह से आपने भी अप्लाई कर देना है आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया है अगर कोई भी डाउट रह जाता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक तो के लिए थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे